हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस सिलेंडर के लीकेज को किस तरीके से हम घर पे फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सबसे पहले ये देखिए, देखा आपने। तो सबसे पहले हमें जरूरत है एक स्क्रू ड्राइवर की, जिसकी मदद से हम इस इश्यू को फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेंडर से रेगुलेटर को बाहर निकालेंगे और रेगुलेटर को अच्छी तरीके से देखेंगे कहीं टूटा तो नहीं है या उसके अंदर कुछ डैमेज तो नहीं है। इसके बाद हमें गैस सिलेंडर के रबर वॉल्व को निकालना है और वो आपको मिल जाएगा जहां पे आपका रेगुलेटर लगता है उसके नीचे सिलेंडर का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको वो रबर वॉल्व मिल जाएगा। स्क्रूड्राइवर की मदद से आपको स्लोली से उसको केयरफुली बाहर निकालना है। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी रबर के डैमेज होने की वजह से गैस लीकेज होती है सिलेंडर से। ये रबर आपको जो आपका गैस सर्विस प्रोवाइडर है वहां से मिल सकता है या लोकल किसी शॉप से आप पता कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसको निकाल करके जब आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कहीं ना कहीं डैमेज है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा था। लेकिन मेरे केस में मेरे पास एक और स्पेयर सिलेंडर है जो ऑलरेडी एम्प्टी है, खाली है, तो मैं उसी के रबर को यूज करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सेंसिटिव और खतरनाक चीजें हैं। जरा सी लापरवाही और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपके घर में ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप इसको खुद से करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को बुलाइए और उससे करवाइए या अपने जो आपका गैस सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉल करके आप इन्फॉर्म करिए, वो आपको गाइड करेगा या तो वो खुद उसको रिजॉल्व करेगा या वो सिलेंडर को चेंज करेगा। बट इन वर्स्ट केस अगर आपको लगता है कि लीकेज काफी देर तक मैंने ऑन करके रखा था और पूरे घर में स्मेल हो रही है गैस की, तो आपको करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी लाइट या फैन बंद या चालू नहीं करना चाहिए। जो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में आप इसको रहने दीजिए। घर के खिड़की दरवाजे खोल दीजिए और गैस का जो वॉल्व है रेगुलेटर का वो आप कोशिश करिए कि बंद कर दीजिए। और अगर आपको ज्यादा रिस्की लग रहा है तो आप इमीडिएटली फायर को या पुलिस को या जो आपके गैस सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको इस स्थिति के बारे में जरूर इमीडिएटली अपडेट करिए ताकि वो आपकी मदद कर सकें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको लगाते कैसे हैं। रबर को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, उसके बाद आप इसको अपने सिलेंडर में अच्छे से बिठा दीजिए। ये रबर बिठाने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है बट आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे और वीडियो में जिस तरीके से मैंने फोल्ड करके उसको लगाया है आप उसको समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको बिठा सकते हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और खास तौर पे गैस के मामले में तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करिए। आपके गैस की जो पाइप है वो कहीं से कटी फटी ना हो, डैमेज ना हो, अगर पुरानी हो गई तो उसको रिप्लेस करिए। इसी तरीके के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो इसको जितना हो सके आप लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और लोगों को इसके बारे में पता चले। तो चलिए अब देखते हैं लीकेज ख़त्म हुआ या नहीं। देखिए, अब लीकेज पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अब कोई भी लीकेज नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।